ली हूँ, ना कि मैं पूजा भी कर ली हूँ। पूजा करने के बाद मैंने चाय नाश्ता भी कर लिया है। और अब जो है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आज मैं अपने व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने घर पे जो प्लांट्स लगा रखे हैं वो कौन कौन से प्लांट्स लगा रखे हैं। देखो, बहुत से प्लांट्स के तो नाम मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस किस तरीके के प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो जिनको भी पता हो कि ये जो भी प्लांट्स मैं दिखाऊँगी उनके नाम आपको पता है, तो आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जो मैं प्लांट्स लगाती हूँ और घर पर प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने किस तरीके से अपने घर पे छोटे छोटे पौधे और प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो चलो, कंटिन्यू बने रहो मेरे ब्लॉग में और मुझे बताओ। ठीक है, चलते हैं हम अपने प्लांट्स की तरफ। मैं दिखाती हूँ आपको अपने प्लांट्स। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि मैंने अपने घर में बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं और मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने किस किस तरीके के अपने घर में प्लांट्स लगाए हुए हैं, पेड़ जो लगाए हुए हैं। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से पौधे लगाए हुए, और जिनके नाम मुझे नहीं पता, अगर आप में से कोई भी जानता है उसका नाम, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसका नाम बताइएगा। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, पहला है ये पौधा, ये जो है क्या कहते हैं कि एक ना, मतलब छोटा सा, जैसे कि छोटा सा ही, मतलब डंडी होती है ये इस तरीके की। इसको भी अगर आप तोड़ के आप मतलब किसी भी गमले में लगाओगे तो ये बड़ी आसानी से हो जाता है। हमने भी जब इसको लगाया था तो बहुत ही एक डंडी थी हमारे पास, केवल एक ऐसी एक दो डंडियाँ थी, तो हमने ये लगाई थी और ये आज इतना बड़ा हो चुका है, ये देखो। तो इसको वैसे तो लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है, मतलब ये घर की बरकत के लिए काफ़ी अच्छा पौधा होता है। मुझे इसका प्रॉपर नाम तो नहीं पता, बट लेकिन बहुत अच्छा होता है ये पेड़ पौधा। तो आप भी इसको अपने घर पे लगाओ। और इसके जो पत्ते होते हैं छोटे छोटे, देखो दिल के आकार के टाइप के कुछ इस तरीके के पत्ते होते हैं, और बड़ा क्यूट लगता है ये, सीरियसली ये मतलब। और देखो, अब तो इनको बारिश लग गई है, तो अब बारिश लगने के बाद तो ये और भी बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया है। ठीक है, तो ये है मेरा फर्स्ट पौधा, और एक ये है सेकेंड। तो इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लावर्स आ रखे हैं। ये तो सदाबहार, इसका तो मेरे को नाम मालूम है, इसको सदाबहार का पेड़ बोलते हैं। तो ये है दूसरा पौधा हमारा, ये है, और ये है हमारा थर्ड। इसमें हमने फुलवाड़ी बो रखी है, और ये एक, ये इसका मुझे नाम नहीं पता, इसके ऊपर से पत्ते चले गए हैं, बट ये भी एक पौधा ही है जो अभी, मतलब इसके ऊपर कोई पत्ता वगैरह कोई कुछ नहीं आ रखा, और इसके अंदर मतलब देखो इसकी काफ़ी जड़ें भी जा रखी हैं मेरी। ये भी एक पौधा है, ये मुझे नहीं पता है किस चीज़ का है, ये भी एक पेड़ है। इसको मैं अलग गमले में लगाऊंगी, अभी ये बहुत छोटा है तो मैंने इसलिए अभी निकाला नहीं है, तो इसका मुझे नहीं पता। और ये फुलवाड़िया है, तो जिसे गुलदफेरी बोलते हैं, ये पिंक कलर की है और ये वाइट कलर की है। ठीक है, और अब आते हैं हम इस वाले पौधे पे। तो ये एक गमले में ही मैंने दो पौधे लगा रखे हैं, क्योंकि ये जिस टाइम पे मैंने पौधा लिया था तो ये बहुत छोटा था, इतना छोटा था, और इसका ना बहुत एक लकड़ी टाइप में होता है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये जो है ना कांटे वाला, ये कांटे टाइप का, तो ये ही था मेरे पास, इसके ऊपर कोई पत्ता नहीं था। तो मैंने जब ये बोया था गमले में तो सिर्फ मेरे पास ये कांटे की एक डंडी सी ही थी, और लेकिन देखो आज इस पर इस तरीके के, देखो छोटे छोटे फ्लावर्स आ रखे हैं और पत्ते इसके इस तरीके के हैं। तो ये भी, ये क्या है, ये वो ऐसा पौधा है कि इसको कम पानी ही, मतलब कम पानी में ही चलता है ज़्यादातर पौधा। ठीक है, तो मैंने एक ये लगा रखा है। ठीक है, तो अब इसी के बीच में मैंने एक और पौधा लगाया हुआ है, ये इसका भी मुझे नाम नहीं मालूम है। इसके ऊपर कनेर टाइप के वाइट फ्लावर्स खिलते हैं, ये देखो, ये देखो, तो इसके ऊपर वाइट फ्लावर्स खिलते हैं, और ये भी इसी गमले में लगा हुआ है। तो और फिर है मेरा नेक्स्ट, और ये वाला, इसका मुझे गाइज नाम नहीं पता है, बट देखो अब ये भी बहुत सुंदर है, और इसके अंदर फुलवाड़ी टाइप भी लगी हुई है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाले, ये छोटे छोटे पत्ते जो है, ये एक बेल है जो कंटिन्यू, मतलब हमारे हर गमले में हो रखी है, और इसको कितना ही, मतलब इस बेल को तुम आप कितना ही निकालोगे तो ये उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं से उग जाती है, इस तरीके की इसका ये बेल। अब आते हैं हमारा ये वाला पौधा, ये मैंने छोटे से एक डब्बे में लगाया हुआ है। इस पर छोटे छोटे ना पिंक से कलर के फ्लावर आते हैं, बड़े प्यारे प्यारे। तो ये भी मैंने अभी डब्बे में लगाया, देखो बारिश लग जाएगी, लग रही है तो इनको काफ़ी खिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी मैं गमले में डालूंगी, मुझे इसका नाम नहीं पता, अगर आपको नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे, ये एक नागफनी टाइप का पौधा है, मतलब पेड़ है, ये भी कम पानी पीता है और कम पानी में ही रहता है। तो ये मैंने जस्ट अभी बोया है, ठीक है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ।
फिर आते हैं ये वाला पौधा, ये मैंने एक मटके में लगाया, मेरे पास गमले नहीं थे तो मैंने ये मटके में लगा दिया था। ये लग तो आपको ऐसा रहा होगा देखने में जैसे ये घास है, बट ये घास नहीं है, ये एक पौधा है और इस पे भी वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, सॉरी येलो कलर के फ्लावर लगते हैं, बहुत सुंदर फ्लावर लगते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और अब आते हैं हम अपना ये, तो ये जो पेड़ है इसको पत्थर चट्टे का पेड़ बोलते हैं आई थिंक, तो ये जिसको जैसे किसी के पेट में स्टोन वगैरह होते हैं तो ये उसमें काम आता है, और ये पत्थर चट्टे का पेड़ है। इसकी भी इसका पता है इसका भी क्या है, इसको भी आप अगर इसकी एक डंडी को अगर ऐसे गमले में लगा दोगे तो अभी देखो मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डंडी लगाई थी अब से 2 दिन पहले और देखो ये हरी हो गई है और 2-3 दिन में इसमें पत्ते भी आ जाएंगे। तो आप इसकी किसी भी एक डंडी को जैसे गमले में लगाएंगे तो ये अपने आप ही नेचुरली हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, ये तो ये वाला जो हमारा पेड़ है ये है ऑक्सीजन प्लांट बोलते हैं इसको मेरी लैंग्वेज में, तो जहाँ तक मेरे को जितना पता है इसको ऑक्सीजन प्लांट बोलते हैं। तो इसका भी जो मैं आपको बता देती हूँ, इस पे इस पौधे को भी अगर आप जैसे किसी मतलब एक डंडी को आप ऐसे निकालोगे या काटोगे किसी भी चाकू नाइफ वगैरह से तो उसको आप जैसे गमले में लगाओगे तो ये एकदम हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हम जैसे कि बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनको हम बो सक मतलब बोते हैं तो उनको जड़ से बोते हैं, लेकिन इसको आप विदाउट जड़ से भी बो सकते हो। और देखो जिसके तो इसको जैसे आप बोओगे तो ये मतलब हम 1-2 महीने तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये हो नहीं रहा है, ये कोई ग्रोथ नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा टाइम बाद ये अपने आप ही ग्रोथ करने लग जाएगा। पीछे डोगी हैं वो छत पे कबूतर आ रखे हैं तो उनको देख के भौंक रहे हैं, तो ठीक है। और देखो जिसकी बेल के बारे में मैं आपको बता रही थी, तो ये कहीं से भी निकल जाती है बेल, अपने आप ही होना लग जाती है। फिर आते हैं हम अपने इस वाले प्लांट के ऊपर, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो पता है क्या, ये भी ऐसा एक पेड़ है, अगर आप इसकी एक डंडी निकाल के किसी गमले में बोओगे तो ये भी बहुत जल्दी हो जाता है। इसमें भी ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हमें इसको जड़ से बोना पड़ता है, आप इसकी किसी भी एक डंडी को निकालो तोड़ो और मिट्टी के अंदर गमले के अंदर लगा दो। इस पर छोटे छोटे पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं, आई थिंक इसको पर्पल वॉलेट प्लॉटे पता नहीं कुछ ऐसे ही बोलते हैं, मुझे नहीं प्रॉपर पता क्या बोलते हैं इसको, पर पर्पल प्लांट बोलते हैं, मैं इसको पर्पल प्लांट के नाम से जानती हूँ, ठीक है। तो ये भी बहुत सुंदर है और इसको भी आप इसी तरीके से बो सकते हो, इसमें भी कोई जड़ वगैरह की जड़ से बोने की ज़रूरत नहीं है, एक डंडी तोड़ो और गमले के अंदर लगा दो, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे, तो इसमें भी यही पत्थर चट्टे का पेड़ है सेम, ठीक है। तो ये हमने लगाया हुआ है, ये अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि ये स्टोन में बहुत अच्छा काम करता है, जिसको स्टोन होते हो उसके पत्ते आप खा सकते हैं, ये पथरी में स्टोन में बहुत अच्छा काम करता है। और ये साइड में मैंने लगाई हुई है इसी के बराबर में गुलदफेरी, यानी जो धूप में खिलते हैं, मतलब ये गर्मी के मौसम में ही फूल होते हैं, गुलदफेरी जिसे बोलते हैं, गर्मी के मौसम में ही चलती हैं और गर्मी के मौसम में इस पे फ्लावर आते हैं। और ये वाला मैंने डब्बे में लगाया हुआ है, ये भी वही प्लांट है जो मैंने अभी जस्ट आपको ये वाला दिखाया था, ये भी वही प्लांट है। तो इस पे भी येलो कलर के फ्लावर आते हैं, बहुत जल्द मैं इसका व्लॉग बनाऊंगी दोबारा से, जब इस पे फ्लावर खिलेंगे तो मैं दोबारा एक व्लॉग बनाऊंगी फ्लावर्स के ऊपर, ठीक है। और इस डब्बे में मैंने लगाई हुई है पिंक कलर की गुलदफेरी, ठीक है। तो ये थे मेरे प्लांट्स जो मैंने लगा रखे हैं। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे प्लांट्स जो मैंने लगा रखे थे अपने घर में, अभी भी और बहुत सारे प्लांट्स हैं वो ऊपर वाली छत पे रखे हुए हैं, तो अभी थोड़ा ऊपर मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि अभी थोड़ा पानी भरा हुआ है छत पर, तो मैं अभी इसलिए नहीं जाऊँगी। उसका भी मैं सेकंड व्लॉग बनाऊँगी आप सबके लिए, दूसरे प्लांट्स मैं आपको दिखाऊँगी उसका मैं सेकेंड व्लॉग बनाऊँगी, और फिर उसमें मैं दिखाऊंगी कि और छत पे मैंने कौन कौन से प्लांट्स लगाए हुए हैं। फिलहाल तो मैंने अभी जो लगाए हुए हैं नीचे अपने घर में यही प्लांट्स लगाए हुए हैं, और छत पे दूसरी छत पे मैंने दूसरे प्लांट्स लगाए हुए हैं, उसका व्लॉग भी मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लेके आऊँगी। तो फ्रेंड्स आप भी छोटे छोटे पौधों को अपने इस तरीके से बॉटल डब्बे वगैरह किसी भी चीज़ में आप अपने घर में प्लांट्स लगा सकते हो, ये बहुत सुंदर लगते हैं, नेचुरली बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत ही मतलब इनसे एक बहुत अच्छी वाली गुड वाइब्स आती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है अपने घर में प्लांट्स वगैरह होते हैं। तो आप लगाइए अपने घर में प्लांट्स। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये आज का व्लॉग आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स आप ज़रूर अपने घर में प्लांट्स लोइएगा, और जिन जिनको इन प्लांट्स के नाम पता है अगर मैंने बाय मिस्टेक गलत नाम बताया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं सही नाम, और जो भी इन फ्लावर्स को जानता है। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, मैं लेके आऊँगी आपके लिए फिर से एक नया व्लॉग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ढेर सारा प्यार दें और प्लीज़ 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 सपोर्ट करें। बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।